गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरुर वाक्य मोक्ष मूलं गुरु कृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे शिवानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गुणधाम संकीर्तन के पितृ दो तुम्हें पुनि पुनि करहूं प्रणाम। श्री राधा रमण वाधारण मंगल करण श्री श्याम कृपा करो मम हिये बसो प्यारे श्याम श्री जान की वल्लभ लाडले श्री प्यारे हनुमान आए के आसन ग्रहण करो तुम्हें बारम बारे प्रणाम। मैं तो ब्रजलतन तरु बैठ के पल भर करूं विश्राम रज रज मुख में डारी के सब बोलो राधे श्याम सब बोलो राधे श्याम सब बोलो राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तजनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना के शब्द Thank you.
सीधे आसन में बैठकर एकाग्रचित मन से गुरुदेव के चरणों का ध्यान करें। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें Yeah.
सुख से खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है, पर कर्मों का लेखा जोखा
हमारे साथ कही राधा नाम परम सुखदा Thank you.
परम सुखदाई वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को 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 निर्मल
रट श्री राधा तू रट श्री राधा, रट श्री राधा तू रट श्री राधा, राम परम सुखदाई राधा, राम परम सुखदाई। रसना पे रयो छाई, रसना पे रयो छाई, इस रसना पे रयो छाई, इस रसना पे रयो छाई, नाम परम सुखदाई, नाम परम समय है, क्योंकि ये कार्तिक मास है। मैं रोज संकीर्तन में कह रही हूं, जो लोग वृंदावन नहीं पहुंच पा रहे, कम से कम संकीर्तन में ही बैठकर मानसिक भाव से उस वृंदावन की परिक्रमा लगा लो, वृंदावन के दर्शन कर लो, वृंदावन दीप दान कर लो। क्योंकि प्यारे ये सारे मन के सौदे हैं। अब तन तो वृंदावन में घूम रहा है, तन से तो पहुंच गए, लेकिन मन अटका है कि भैया हम यहां पर हैं, पहले मोबाइल में फोटो खींच ले और दुनिया वालों को दिखा दे तो कोई फायदा हुआ आने का? भक्ति कौन दिखाकर करता है मुझे ये बताओ। भक्ति दिखावे का विषय नहीं है, भक्ति छिपाने का विषय है। भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। और इस फेसबुक ने इन तीनों के ही पर्दे खोल दिए हैं। हम दुनिया वालों को यह भी दिखाना चाहते हैं कि हम इस समय पिज्जा हट में बैठे हैं और ये खा रहे हैं। हम दुनिया वालों को यह भी बताना चाहते हैं जाने से पहले कि हम वृंदावन जा रहे हैं। और नारियों का तो कहना ही क्या है, दुपट्टा सिर पे रखने की तो बहुत दूर की बात है, गले में लेना ही छोड़ दिया है। कोई मर्यादा कोई संस्कार नहीं रहे। पर मैं कहती हूं हमारे वृंदावन में आओ, उन विदेशी महिलाओं को देखो जो इस कार्तिक मास में एक हाथ से मृदंग बजा रही है और मृदंग के ऊपर मंजीरा रखा है। अपने 6-6 महीने के बालकों को वो एक बैग आता है उसमें टांग कर और हाथ में मंजीरे लिए हैं और मजाल है कि उनका दुपट्टा सिर से नीचे उतर जाए। भोजन भजन और नारी ये तीनों पर्दे के अधिकारी। ये झोली का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि पर्दे के अंदर भजन हो। लेकिन हम हमारी वृत्ति इतनी बदल चुकी है कि जब तक हम तीनों चीजों का दिखावा ना कर लेना तब तक बात नहीं बनती। कर रहे हैं कीर्तन, मुझसे आयु में बड़े हैं, लेकिन सेल्फियां खींच के लोगों को बता रहे हैं कि देखो इस समय हम कीर्तन में बैठे। ये क्या सोच हो गई है प्यारे। ठाकुर जी तुमसे दूर नहीं है, किशोरी जी तुमसे दूर नहीं है प्यारे, लेकिन तुम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। मैं ललित भैया से हमेशा के लिए कहूंगी कभी नीचे आके नहीं बैठे आप ब्रिजवासी हैं, आप ऊपर आके स्थान लीजिए। एक बार एक व्यक्ति गया स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास, वो भजन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि महाराज एक बात पूछनी है। बोले कि आप काली माँ के भक्त हो, ये बताओ कि काली माँ कभी आपको दर्शन देने आती है? उन्होंने महाराज जी से पूछा कि आपको काली माँ कभी दर्शन देने आती है? ध्यान से सुनिए, कह दो राधे राधे।
महाराज जी हंस दिए, बोले हाँ आती है तो। बोले फिर मेरा एक काम करोगे? बोले क्या? जिस समय अब काली माता आपके पास आए ना दर्शन देने, उनको मेरे घर का पता दे देना और कहना कि एक बार मुझसे मिलने जरूर आए। ये आप लोगों की भी बात होती है दीदी, बरसाने में हो श्री जी कृपा, हमारे पे भी बरस बात हो। तुम्हारे जी हंसे, बोले अच्छा तुम्हारे यहां भेजना है, भेज देंगे। बोले पहले अपना पता लिखवाओ। वो कॉपी पेन ले आया, उसने अपने घर का एड्रेस लिख दिया। बोले फलानी फलानी जगह फलानी गली में ये मकान नंबर और ये मेरा नाम। महाराज जी बड़ी जोर से हंसे, बोले लाला ये पता किसका है? बोले मेरा। बोले ये तो तेरे मकान का है, तेरा पता क्या है, तू कहां मिलेगा? फिर उसने कुछ नहीं सोची, उसने अपने दुकान का पता दे दिया कि हो सकता है महाराज जी ये कह रहे हो कि मैं घर में हर समय नहीं रहता हूं, दुकान का पता दे देता हूं। उसने दुकान का पता लिख के दे दिया। बोले ये तो तेरी दुकान का पता है, ये बता कि तेरा पता क्या है। वो दोनों हाथ जोड़ के पैरों में पड़ गया, बोले मुझे अपना पता ही नहीं पता। बोले जिस दिन तुझे अपना पता पता चल जाएगा ना, उस दिन तुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, काली माँ खुद तेरे घर आए। पहले हम अपना पता तो ढूंढे, पहले तो हम दुनियादारी के चक्कर में पड़े हैं, दिखावे के चक्कर में। तो प्यारे मैं बता रही थी, बात शुरू हुई थी कि तन वृंदावन है मन आए तो कोई फायदा नहीं है कार्तिक मास करने का। अब आपका तन यहां है और यहां बैठे बैठे आओ चलो दो मिनट के लिए मेरे साथ, क्योंकि मन की गति बहुत तेज होती है। पैरों से अगर चल के जाएंगे तो ये पौने घंटे का सफर है, लेकिन मन से जाएंगे तो पांच मिनट का भी नहीं है। चलो मेरे साथ पहले बिहारी जी मंदिर, बिहारी जी को राधे राधे बोलो, यही दीपदान है। उसके बाद चलो राधा वल्लभ जी, वहां से चलो राधा दामोदर जी, वहां से चलो राधा रमण जी, उसके बाद यमुना जी में जाओ दीपदान करो, मन से ही चलो दोनों हाथ उठा के। राधा 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 राधा
कृष्ण संजीवनी शाम